नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोहम्मद मुइजू की और उसकी जो रिसेंट इंडिया की विजिट थी उसके बारे में, उसमें जो भी गतिविधियां हुई, उसके पहले जो भी गतिविधियां हुई उसके ऊपर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी विजिट के दरमियान जो भी भारत में उसने बयान दिए और जिस तरह से अलग अलग बातें कही या फिर रिक्वेस्ट रखी, उनके ऊपर जिस तरह से न्यूज आर्टिकल्स बन के आ रहे हैं, जिस तरह से टाइटल्स निकल कर आ रहे हैं, हेडलाइंस बन के आ रहे हैं कि मोहम्मद मुइजू ने यू टर्न ले लिया या फिर उसने रिवर्स गियर डाल दिया, तो उसके ऊपर नजर डालेंगे कि क्या हकीकत में उसने रिवर्स गियर डाला है या फिर खेल कुछ और चल रहा है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहां पर QR कोड दिया है तो हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें ताकि आपको इस प्रकार के एनालिसिस और खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोहम्मद मुइजू पिछले साल मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना था नवंबर में और उसके बाद से उसका जो कैंपेन था इंडिया आउट का वो कॉन्स्टेंटली पुश किया जा रहा है। उसी कैंपेन के ऊपर, उसी पर्टिकुलर स्लोगन के ऊपर, इंडिया आउट के स्लोगन के ऊपर उसने वो कैंपेन किया था और उसमें मालदीव्स के कई सारे लोगों ने उसको वोट भी किया, जिसके चलते वो अल्टीमेटली मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर विजिट थी, ये पहली विजिट थी मालदीव्स के प्रेसिडेंट की भारत। भारत की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको इनविटेशन भेजा था और उसी के चलते वो भारत में आए थे। जैसे ही ये विजिट चालू हुई, उसी दिन हमने उसका वीडियो अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हुए ये कहा था कि ये जो व्यक्ति यहां पर भारत में आ रहा है वो भारत से फाइनेंशियल एड लेने के लिए और डेट रिलैक्सेशन लेने के लिए आ रहा है। तो उसने वही किया भारत में आकर, जब वो प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ डिस्कशन हुए और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला कि भारत की तरफ से मालदीव्स को बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको टाइम दिया गया है डेट पेमेंट करने का और साथ ही में फॉरेन रिजर्व करेंसी भी एक्सचेंज की गई है। तो इसी प्रकार से भारत की तरफ से मालदीव्स फिर से एक बार फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया मालदीव्स की रिक्वेस्ट के ऊपर। अब क्या बात सिर्फ यहीं तक है? तो जी नहीं, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जैसे ही मुइजू मालदीव्स का प्रेसिडेंट बन के आया, उसी टाइम भारत के जो भी लोग वहां पर थे, खास करके जो मिलिट्री पर्सनल वहां पर, जो कि वहां पर इमरजेंसीज के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लोगों को मदद करने के लिए थे या फिर अगर वहां पर कोई डिजास्टर आता है तो उसमें इमीडिएट रिलीफ वर्क प्रोवाइड करने के लिए वो लोग वहां पर उपस्थित थे। तो उसी के चलते उन लोगों को वहां से निकालने की बात की। उनकी जो संख्या थी वो तकरीबन 70 से 80 के बीच में थी। नॉट सो मच दैट दे कैन सेट अप अ मिलिट्री और नेवल बेस ओवर देयर, लेकिन फिर भी मोहम्मद मुइजू ने और उसकी पार्टी ने इस प्रकार का पूरा एक नैरेटिव बनाया कि भारत मालदीव्स में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, एक नेवल बेस बनाना चाहता है। हमने उस समय भी जो वीडियो बनाया था, जो आपके साथ यहां पर यूट्यूब पर शेयर किया था, उसमें भी हमने ये बताया था कि ये चीज वहां पर जितने मिलिट्री पर्सनल उपस्थित हैं उनके चलते ऐसा बेस बना पाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मोहम्मद मुइजू ने वो जो एक नैरेटिव स्टार्ट किया था, संभवतः चाइना से पैसे ले अपनी जेबें भरकर अपने अकाउंट्स के डिजिट्स बढ़ाते हो, उसी के चलते उसने ये एक पूरा नैरेटिव बनाया और उसको इतना पुश किया मालदीवियन सोसाइटी में कि मालदीव्स के भारत के अगेंस्ट में हो गए, भारत के मिलिट्री के अगेंस्ट में हो गए। उसी के चलते उन्होंने मोहम्मद मुइजू को वोट किया और अल्टीमेटली उसको वहां का प्रेसिडेंट बनाया। अब ये जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स की बात है उसको हम क्यों कह रहे हैं और वहां की जो लोकल सिनेरियो है, लोकल जो आइडियोलॉजी बदली है उसके बारे में क्यों हम कह रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर आगे समझेंगे। ये जो सब गतिविधियां हुई और उसके बाद भारत से जो रिस्पॉन्स आया, जहां पर मालदीव्स जाने वाले जो टूरिस्ट थे, जो कि मालदीव्स की टूरिज्म इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा, उसमें से ज्यादातर लोगों ने मालदीव्स की ट्रिप कैंसिल कर दी, जिसके चलते मालदीव्स की इकोनॉमी एकदम से डिक्लाइन में चली। अब जैसे कि हमने बताया, उसने संभवतः चाइना से घूस ली थी, जिसके चलते ये सब पूरा एक एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पर खड़ा किया गया था और उसके बाद उसने चाइना को रिक्वेस्ट की कि हमारे वहां पर जो टूरिस्ट का डेफिसिट हुआ है, टूरिस्ट की संख्या जो कम हुई, जो कि भारत से आने वाले टूरिस्ट की संख्या है वो जितनी कम है उसकी भरपाई करे ताकि मालदीव्स की इकोनॉमी स्टेबल रहे। लेकिन चाइना ने इस बार सीधा ही इनकार कर दिया,
साथ ही दूसरे भी कंट्रीज से उसने हेल्प लेने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान से भी उसने हेल्प लेने की कोशिश की, और पाकिस्तान से भी बीच में एक दो बार ये बयान आए थे कि वो लोग मालदीव को हेल्प करें। अब एक कंट्री वो खुद भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से अपने लोगों को खाना खिलाने की, वो दूसरी कंट्री को हेल्प करने की बात करता है, तो वो एक बहुत ही बड़ी आयरनी अपने आप में हो जाती है। तो उसी प्रकार से मालदीव को पाकिस्तान से कोई भी हेल्प नहीं मिली, उसने तुर्की को भी अप्रोच किया लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गली। तो अल्टीमेट धीरे धीरे करके मुइज़्ज़ो को यह समझ में आया कि अगर मालदीव की इकोनॉमी बचानी है और साथ ही में अगर मालदीव के लोगों को बचाना है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि वो जो मिलिट्री पर्सनल भारत के वहां पर थे, वे लोग इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए और डिजास्टर रिलीफ के लिए वहां उपस्थित थे, तो जैसे ही उन लोगों को हटाना वहां से शुरू किया गया, कई सारे लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ गए और साथ ही में पूरी मालदीव की जो इकोनॉमी वो भी खतरे में आ गई। अल्टीमेटली मुझे वो समझ में आया कि भारत के साथ पंगा लेना ये उन लोगों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो उसी के चलते फाइनली उसने एक अपना नैरेटिव चेंज किया, उसने अपना एक स्टांस चेंज किया है। हम इसको पूरा रिवर्स करना नहीं कह रहे हैं, इसको यू टर्न लेना नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसने अपना जो स्टांस है वो थोड़ा चेंज किया है भारत की तरफ, वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। और वो जो इंडिया आउट का कैंपेन उसने चलाया था, वो जो इंडिया आउट की प्रॉमिस उसने अपने लोगों के साथ की थी, मालदीवियंस के साथ, उस पर उसने जरूर यू टर्न लिया है। और भारत में आकर उसने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की, पहले उसने अपने FM को भेजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, ताकि इनिशियल जो ब्लो बैक हो वो थोड़ा सा कम हो सके उसके आने से पहले। और बाद में अल्टीमेटली उसने इंडिया की विजिट की, जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले, द्रौपदी मुर्मू जी से मिले, राष्ट्रपति जी से और अन्य कई सारे लोगों से मिले, यहां तक कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से भी मिले, जैसे कि ऋतिक रोशन से मिले, शिल्पा शेट्टी से मिले, अरबाज खान और अन्य कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से भी उनकी मुलाकात हुई। साथ में उन्होंने आगरा की विजिट भी की और बेंगलोर में जो मालदीवियन कम्युनिटी है उनके साथ भी उन्होंने मिलकर वार्तालाप किया और उनके साथ वहां के लोगों की जो भी दिक्कत है उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने की भी बात कही। तो इसी प्रकार से मोहम्मद मुइज़्ज़ू की ये जो पूरी विजिट, उसके दरमियान मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत को थोड़ा सा सॉफ्ट होने को कहा, जिसके रिस्पांस में भारत अग्री कर गया, खास करके इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में। साथ ही में टूरिज्म को प्रमोट करने की उसने कोशिश की है, लेकिन बात आती है वहीं पर कि जब कोई भी व्यक्ति एज अ टूरिस्ट मालदीव जाएगा तो क्या मालदीव उसके लिए एक प्रेफरेबल प्लेस होगा, सेफ प्लेस होगा, सिक्योर प्लेस? तो ये जो पर्टिकुलर एक बात है, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। रीजन भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ये जो पर्टिकुलर कैंपेन चलाया था इंडिया आउट का, उसके चलते उसने कई सारे मालदीवियंस की जो आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को ही उसने पूरा चेंज कर दिया, उसको एंटी इंडिया बना दिया। तो इसी के चलते जो भी भारतीय वहां जाएगा उसके साथ अच्छा ही बर्ताव होगा, इसकी कोई भी गारंटी अभी भी वहां पर दिख नहीं रही, क्योंकि जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू वापस गए कल, तो उसके बाद कई सारे अलग अलग बयान वहां के लोकल्स ने निकालना शुरू कर दिए ट्विटर पर, फेसबुक पर और अन्य जगहों पर उसके अगेंस्ट में, उसकी इस विजिट के अगेंस्ट में, और यहां पर जो भी एक्टिविटीज हुई उनके अगेंस्ट में, जो भी MOUs हुए और भारत की तरफ से जो भी इकोनॉमिक रिलैक्सेशन दिए गए या फिर सपोर्ट दिया गया उसके अगेंस्ट बहुत सारे बयान मोहम्मद मुइज़्ज़ू के इस पर्टिकुलर विजिट के अगेंस्ट निकले। तो इसी प्रकार से वहां के जो लोकल्स मालदीव्स वो अभी भी पूरी तरह से वो इंडिया आउट का जो कैंपेन चलाया था इन लोगों ने, वो जो एक पूरा नैरेटिव पुश किया था और आइडियोलॉजी मालदीवियन सोसाइटी में पुश कर दिए, उसमें से निकलने में टाइम लगेगा वहां के लोगों, और उसके लिए जिम्मेदार होंगे ओनली एंड ओनली मोहम्मद मुइज़्ज़ू और उनकी पार्टी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की है और भारत ने भी बिग ब्रदर बनते हुए मालदीव्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, मालदीव्स की तरफ सॉफ्ट हुए हैं, तो हम लोग टूरिज्म के लिए वहां जा सकते हैं, इट इज अ गुड प्लेस, थिंक अगेन एज आई सेड कि वहां जाना आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक सवाल या निशान खड़ा कर सकता है। तो सोच समझ कर जाएं, पूरी तफ्तीश करके जाएं, सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखें। साथ ही में अगर बात करें जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें, तो क्या मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चाइना से नाता तोड़ दिया है? तो जी नहीं,
मोहम्मद मुइजुद चाइना से कभी भी नाता नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि उसने कूस खाई है चाइना से शी जिनपिंग, तो उसी के चलते वो पूरी तरह से चाइना से अलग नहीं हो सकता है, पूरी तरह से वो भारत का दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी उसका जो करंट एफर्ट है और वो जिस प्रकार से बहुत ही स्मार्टली हाल में मूव कर रहा है और अपने नैरेटिव्स में और स्ट्रेटेजी में जिस तरह से वो चेंजेस लाते जा रहा है, उसके चलते ये बात जरूर कही जा सकती है कि मालदीव हाल में मंकी बैलेंसिंग कर रहा है, मोहम्मद मुइजु हाल में मंकी बैलेंसिंग कर रहा है चाइना और इंडिया के बीच। तो इसी के चलते भारत को भी, भारत की सरकार को भी बहुत ही सोच समझ कर कदम लेने पड़ेंगे। साथ ही में जो भी मालदीव जाने का प्लान कर रहे हैं वैकेशन के लिए या फिर किसी भी काम, तो ध्यान रखें अपना, सोच समझ कर जाएं, और जिस जगह पर भी वो जा रहे हैं, जहां पर भी वो रुक रहे हैं, उस जगह का मुआयना करें, वहां पर किस मानसिकता वाले लोग रहते हैं, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाए और जिस लिए भी आप वहां पर गए हैं वो आप ढंग से कर पाए। दुनिया में और भी कई सारी जगह हैं, भारत में भी टूरिज्म को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। पूरे भारत में आपको कई सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स मिल जाएंगे, चाहे बीचेस हो, चाहे माउंटेन्स हो, स्नोई रीजन हो, या फिर जंगल्स हो, नेशनल पार्क्स हो, या सेंचुरीज हो। तो भारत में विविधता कम नहीं है और भारत में भी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि भारत के बाहर जाने से पहले भारत में ही जितनी जगह है उनको विजिट करें, उनके बारे में जानें, अपने बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में QR कोड दिया है, फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना ना भूलें ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें एनालिसिस आप लोगों के साथ साझा करते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।